अरे हरिराम चाचा, खेत में जा रहे हो क्या? आओ एक कप चाय पी के जाओ। ए रमला, हरिराम चाचा के लिए भी चाय लाना। अरे आओ हरिराम चाचा। हरिराम चाचा, हाँ चाय लीजिए। दो दो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अच्छा हरिराम चाचा, हाँ अरे तुम अपनी उम्र का भी तो थोड़ा ख्याल करो। हाँ दिलीप को बोलो थोड़ा काम में हाथ बताने के लिए, बुढ़ापे में तुम्हारी मदद हो जाएगी। अरे उस नालायक की बात छोड़ो, घर के किसी काम में हाथ तक नहीं बताता। पढ़ाई लिखाई तो चौपट कर ली, अब बोल रहा है शहर जाएगा, चापरसी की नौकरी करेगा। इतना समझाया समझता ही नहीं। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बेची पुगड़ाई। कल मैंने उससे कहा कि धान के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्राम सेवक के पास जाके दवाई लेके आओ। नहीं, उसके पास समय ही नहीं है, क्या करता है पता ही नहीं। क्लब में वीडियो वीडियो पता नहीं क्या करता है, एकदम पागल छांद की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहता है। खाना खाने तक का उसका पास वक्त नहीं है। पता नहीं लड़कों को क्या हो गया है, मैट्रिक पास करते ही सरकारी नौकरी का भूत सवार हो जाता है इन्हें। सब नसीब का खेल है। सोचा था बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर पुत्त कपुत निकला। धनीराम की याद आने पर उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होता है, जिसने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया। तुम्हें देखकर अगर वो कुछ भी सीख पाता। छोड़ो इन बातों को, मैं चलता हूँ। आज ग्राम सभा से मिलकर तुम्हारे खेतों की समस्या के बारे में बात करूंगा। सुना है हमारे यहाँ नया कृषि विकास अधिकारी आया है। क्या पता, ये सब तो आते जाते रहते हैं, हमें क्या। तो क्या पहले वाले चले गए? सुना है नया अधिकारी काम का आदमी है। हाँ सुना है, जवान लड़का है। मैंने भी ऐसे ही सुना है। तब तो भलाई की उम्मीद करना ही बेकार है। क्यों? अब जवान लड़के की मन की बात कैसे समझे। मैं अनिमेश बोरवा, आप रतनपुर गांव के ही हो शायद? जी हाँ, मैं जादव देखा हूँ, पास में ही रहता हूँ। सोचा आप नए नए आए हैं तो मिलता चलो। अच्छा किया आपने, मैं यहाँ के लोगों को जानता नहीं, अब आपके जरिए यहाँ के लोगों से जान पहचान लूँगा। वैसे कल दोनों ग्राम सेवक आए थे, आज उनके साथ निकलने की बात थी। आपको शायद खाने पीने में बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पास के होटल से खाना हो जाता है आजकल। एक दो दिनों में मैं व्यवस्था कर लूँगा, और नई जगह में शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में सब एडजस्ट हो जाएगा। सर चाय लाया हूँ, पी लीजिए। अरे चाय, चाय कहाँ से लाए तुम? ओह आप तो इन्हें जानते ही है, ये यहाँ के ग्राम सेवक है। जी हाँ जानता हूँ, देखा तो इस इलाके के किसानों के मुसीबतों के साथ ही है। सर इस क्षेत्र के होनहार किसान है, बीए पास। हाँ हमारी जान पहचान हो चुकी है। देखा कुछ देर पहले कोई लड़के आए थे। कौन आए थे? नाम तो पूछा नहीं, बता रहे थे उनका एक क्लब है, चंदा मांग रहे थे। वैसे चेहरा जाना पहचाना ही लग रहा था, कल दूसरे अधिकारी को भी विदाई देने वो लोग आए थे। अब समझा, जुगधर दिलीप की टोली आई थी। अपने कुछ दिया उन्हें? 100 रुपया दिया था। इन लोगों से उपाय नहीं है, आप कल ही आए और ये लोग चांदी लेने पहुंच गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन्हें मौका दे तो सिर पर बेच जाते हैं। सर बड़े उदंड स्वभाव के हैं ये। सर एक काम कीजिए, आज दोपहर का खाना आप हमारे घर पर कीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, साथ में मेरा खेत भी देख लेना। धन्यवाद चादव जी, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल आ जाऊंगा।
आज थोड़ा ब्लॉक एरिया में घूम फिर लेता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे हमारे सहरिया भी आ गए। नमस्कार सर। आइए सहरिया, आपका ही इंतजार था। थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं सर, एक बात पूछनी थी। हाँ क्या बात है, पूछिए ना। हमारी गांव के एक किसान के खेत में धान के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। किसका? वो जो हमारे हलीराम जी है ना, उनका। हाँ हाँ। कुछ पत्तियां ले आते तो शायद मैं बता पाता। सर उस दिन मैंने एक दो जगहों पर बीएल भी होते देखा है, निश्चित तौर पर यही बीमारी है। तब तो हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा। यहाँ पर मेडिसिन कौन सप्लाई करता है? एक सहकारी संघ तो निश्चय होगा, पर उनके पास एंटीबायोटिक है या नहीं? सहकारी संघ कहाँ है यहाँ? वैसे एक एजेंट है सर, एजेंट गांव बूढ़ा और महाजन तीनों मिलकर सरकारी बीज खाद दवाई का हिसाब किताब करते हैं, किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। क्योंकि महाजन हरिदे का यहाँ का लोकल एमएलए का अच्छा दोस्त है, इसलिए कोई उपाय ही नहीं है। हमारे पिछले अधिकारी टेका सर ने भी उनसे हाथ मिला लिया था। गांव के किसानों की लिस्ट भी महाजन ही बनाता है, वो भी किसानों के नाम पर नहीं। तो आपके पास जो बदमाश लड़के आए थे उनके नाम से लिस्ट बनते हैं, तो हमारा नाम लिस्ट में कहां से रहेगा? आश्चर्य, वे महाजन के पालतू गुंडे हैं, उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। उनको क्या, थोड़ी सी शराब कुछ पैसा थमा दो, बस हो गया खुश। सिर्फ दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं। अरे दिलीप, सुना है ये नया कृषि अधिकारी अमीर घर का बेटा है। हाँ। बकुल, ऑफिस में जाकर थोड़ी सी मस्का लगाते हैं। शायद हमें भी नौकरी मिल जाए। बात तो तुमने ठीक ही सोची है, केशव के गर्दन के ऊपर का पुर्जा बिल्कुल सही। क्या बोलते हो दिलीप, एक बार ऑफिस जाके थोड़ा मस्का लगा के आते हैं? हाँ? मैं तो चला, तुम लोग नौकरी नहीं करोगे तब भी बाप तुम लोग को खिलवाएगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। उस्ताद के भरोसे और कितना दिन चलेगा। अबे गधे बैठे रहो, होपलेस। नौकरी चाहिए तो खुद ढूंढ लो। नौकरी के लिए किसी के पैर में तेल मालिश करोगे क्या? तुम लोग साले साफ निकम्मे हो, कायर कहीं के। अरे उस्ताद तुम विश्वास करो, मेरे पास अभी फूटी कौड़ी तक नहीं है। लाल बत्ती जल चुकी है अभी मेरी। तुम लोग खेलो। Da 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 da
बैठे रहो। हंस रहे हो? हा? तुम लोग हंस रहे हो? हंसो, खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरे करने से भी जलते हो। क्या कहते तुम? कैटरीना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे इतना प्यार करोगी? अरे अरे कंटीलो, तुम्हें याद है तुम्हें एक दफे हमारे गांव के पुवाली के साथ प्रेम करते चलते जो मार पड़ी थी, याद है ना तुझे? बता ना, दरअसल हुआ क्या था? पुवाली बहुत अच्छी लड़की थी ना यार, बहुत अच्छी लड़की थी। पुरानी बात है लेकिन भुला नहीं सकते हैं यार, भुला नहीं सकते। होगा अभी पत्तिया दाल। अरे रुको रुको, आ रहा है वो। कौन है? नया अफसर वही है, कृषि अधिकारी मिस्टर अनिमेश बरुआ। देखना एकदम हीरो बन के आया है। जवान है, किसी के प्यार में पड़ा होगा। रुको भी, हर समय मजाक मत क्या करो। आइए सर, आइए, हम रोज यहाँ बैठकर थोड़ी हवा खाते हैं। बेकार आदमी, नौकरी वोकरी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा। अच्छा, तुम लोग रोज यहाँ बैठ के लगाते? हाँ। अच्छी बात है, लेकिन इस तरह जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। देखिए सर, हम अपनी पैसे से जुआ खेल रहे हैं, थोड़े ना आपके पैसे से खेल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हमने सुना है आप गुवाहाटी के अमीर घर के बेटे हैं। सर, अगर आप कोशिश करें तो हमारे लिए भी नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं। नौकरी? से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम क्या पढ़ रहे हो? मैंने पिछले साल हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा ठीक नहीं रहा। और तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम एक ही राह की साथी हैं। एक ही राह की साथी होना अच्छी बात है, पर तुम्हारा रास्ता ही गलत है। मतलब? देखो, तुम लोगों ने जितनी पढ़ाई की है उससे एक अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है, और सिर्फ नौकरी करके ही कोई आत्मनिर्भर हो सकता है क्या? हमारे कृषि विभाग कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है, खासकर लोन लेकर आप बड़े पैमाने पर सरसों, गोभी, आलू और उन्नत जात के विभिन्न साग सब्जियों की खेती कर अच्छी रकम कमा सकते हैं। सर, आपको हमें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आपको नौकरी देने के लिए हम दबाव नहीं डाल रहे हैं,
नौकरी देने की बात तो हमने हमारे पिछले अधिकारी कमल डेका सर से भी कहा था। उन्होंने भी हमें मदद करने का आश्वासन दिया था। हमने तो सोचा था कि उनका तबादला गुवाहाटी में ही हुआ है, और आप तो गुवाहाटी से ही है, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा नौकरी देना। हाँ। आप अगर नौकरी देना नहीं चाहते हो तो ठीक है। तुम लोग क्या सोचते हो, गुवाहाटी में नौकरी का दुकान है, जाओगे और खरीद लोगे? तुम लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा पियोन या चौकीदार की नौकरी ही मिल सकता है। ओ, इसीलिए आप हमें खेती करने के लिए कह रहे हैं। रुको भी सर, हमें चौकीदारी नौकरी करने में कोई आपत्ति नहीं, दे दीजिए ना नौकरी। अरे तुम लोग सोच रहे हो शहर में चौकीदार पियोन की नौकरी करके सुखी रह पाओगे? तुम लोग यहाँ तसपट्टिया खेल रहे हो, माँ बाप के चलते दो वक्त का खाना आराम से मिल जाता है, तो चिंता किस बात की? हम अपने बाप का खा रहे हैं, आपका नहीं। आपको जलन क्यों हो रही है? मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरा खा रहे हो, और जलन की तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ एक बात सोचकर मन दुखी होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो भी सिर्फ एक गलत सोच की वजह से। इस सरकार ने एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की परियोजना के तहत कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं को सफल करने के लिए तुम युवाओं को विशेष भूमिका निभानी होगी। शहरी जिंदगी तुम्हारी कल्पना की तरह स्वर्ग के सुख की तरह नहीं है। एक छोटी नौकरी करके शहर में टिके रहने की बात में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। आप शहरी लोग फर्ज भी हो, शहर में रहते हो, अच्छा खाते पीते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर नौकरी करते हो, पर हम गांव के लोग शहर जाकर नौकरी करें ये आप कतई नहीं चाहते, क्योंकि हम गांव वाले ही पसीना बहाकर अनाज उगाया करते हैं, वही अनाज आपको जिंदा रखता है। वैसे में आप तो चाहेंगे ही हम शहर जाकर नौकरी ना करें, है ना? ओहो, तुम लोग नौकरी के पीछे पागल हो गए हो। तुम्हें पता है हमारे देश की अर्थनीति का नींव गांव में ही है। मैं भी तो शहर में रहकर नौकरी कर सकता था, लेकिन अगर सभी शहर में नौकरी करने लगे, गांव से मुंह फेर ले, तो क्या हमारे गांव पिछड़ नहीं जाएंगे? आधुनिकता के पीछे दौड़ते दौड़ते हम जमीन के साथ अपना रिश्ता ही भुला बैठे। अरे तुम लोग खुश किस्मत हो, तुम्हारे पास अपना जमीन है, खेत है। अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं नौकरी करता ही नहीं। व्यापार में नौकरी से ज्यादा इनकम है, कम से कम हमारे जैसे किसी के अंदर नौकरी तो नहीं करना पड़ता। बात सुनकर अच्छी लगी, पर हमारे जैसे लोग इस तरह की बातें हजम नहीं कर पाते। सर नौकरी, फिर नौकरी। मैंने बिपिन से कहा है सोने सर को बुलाने के लिए, उससे सभी मछलियां रख लेना और रात को ओटेंगा के साथ झोलदार मछली बनाना, हो सके तो बिपिन के हाथों से दो कबूतर मरवाना। आज रात को कबूतर और मछली तृप्ति से खाऊंगा। कौन सी जात के धान है? पंकज। कहां से लाए हैं आप? पिछले साल सब्सिडी मिला था और मांगा था, पर मिला नहीं। खाद उसी मात्रा में ही दिया है, सरकारी खाद 60-40 की रेशियो से। आपकी गोभी की खेती भी अच्छी हुई है, उन्नत जात का है। जी हाँ।
Thank you.